हेलो दोस्तों, मैं दीपिका आप सबका मैकेनिकल स्टडी में स्वागत करती हूँ। और आज अपन जो टॉपिक शुरुआत करेंगे वो टॉपिक है राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। राजस्थान के जितने भी रिसोर्सेस हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है वो सब अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोयला। हमें पता है कोयला चार प्रकार का है। कोयले के चार प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एंथ्रेसाइट। कोयले कितने प्रकार होते हैं सबसे पहले वो देख रहे हैं। कोयले कितने प्रकार होते हैं? चार। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये सब क्या है? कोयले के प्रकार है। जो राजस्थान में पाया जाता है वो लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है वो कौन से प्रकार का होता है? लिग्नाइट प्रकार का होता है। इसमें कार्बन की मात्रा, इस वाले कोयले में जो कार्बन की मात्रा है वो 30 से 50% तक होती है। 30 से 50% तक होती है। इसका जो कलर है वो होता है ब्राउन, भूरा। कौन से कलर का होता है? भूरे रंग का कोयला होता है। तो राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है वो लिग्नाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 30 से 50% तक होती है और इसका कलर कैसा होता है? भूरा होता है। अब देखते हैं इसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। इसके उत्पादन वाले जिले देखते हैं, इसके क्या है, हमें तीन जिले याद रखने हैं, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। कौन कौन से जिले याद रखने हैं? बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। अपन को तीन जिले याद रखने हैं कि राजस्थान में कोयले का जो उत्पादन होता है वो तीन जगह होता है, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। अब बीकानेर में कहाँ होता है? बीकानेर में दो जगह याद रखनी है अपन को, एक है बरसिंग सर और सेकंड नाम है पलाना। मैंने दो नाम बताए, एक नाम बताया बरसिंग सर और जो दूसरा नाम है वो है पलाना। नेक्स्ट बात करते हैं कि बाड़मेर में कहाँ मिलता है। तो बाड़मेर में है कपूरडी, जालीपा और गिरल। तो सबसे पहले अपने देखे बीकानेर के बरसिंग सर, पलाना, बाड़मेर के कपूरडी, जालीपा और गिरल, नागौर में मातासुख, कसनाऊ और मेड़ता रोड। ठीक है, बीकानेर में बरसिंग सर और पलाना, और बाड़मेर में कपूरडी, जालीपा और गिरल, और नागौर में मातासुख, कसनाऊ और मेड़ता रोड। तो हमें कोयले के लिए, हमने सबसे पहले ऊर्जा संसाधन में पढ़ा कोयले के बारे में, जिससे मैंने बताया कि कोयले का जो बेसिक टाइप है वो चार है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। फिर मैंने बताया जो राजस्थान में हमें कोयला मिलता है वो कौन से टाइप का होता है? लिग्नाइट टाइप का होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा, जिसमें कार्बन की जो मात्रा है वो 30 से 50% तक होती है। इसका कलर होता है ब्राउन, भूरे रंग का कोयला है। ये निम्न श्रेणी का भी कोयला है। राजस्थान में उत्पादन होता है तीन जिलों में, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर में। बीकानेर में कहाँ कहाँ होता है? बरसिंग सर और पलाना में, जबकि बाड़मेर में होता है कपूरडी, जालीपा और गिरल, नागौर में होता है मातासुख, कसनाऊ और मेड़ता रोड में। यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोयले का उत्पादन ऑप्शन दे रखे होंगे, निम्न में से कहाँ नहीं होता है, या ऑप्शन दे रखे होंगे कि जो ये मतलब नाम दे रखा होगा, किसी भी जगह का नाम दे दिया, जैसे बरसिंग सर का नाम दे दिया और क्वेश्चन आ गया ये जगह किस खनिज के उत्पादन से रिलेटेड है, ऑप्शन दे रखे होंगे। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन से खनिज से वो लिंक करती हुई है और वो जगह है कहाँ, कौन से जिले में। बहुत बार उस जगह का नाम देके जिले का नाम पूछ लिया जाता है। तो ये हुआ कोयला। नेक्स्ट देखते हैं अपन तेल संसाधन। ज्यादा नहीं बता रही मैं नाम, जो इम्पोर्टेंट है बस वही नाम बता रही हूँ। नेक्स्ट है तेल संसाधन। तेल संसाधन। इसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ। जो प्राकृतिक गैस है वो तेल के ऊपर पाई जाती है, जो गैस है वो तेल के ऊपर पाई जाती है।
तो पहले जब हम दोहन करते हैं तो पहले कौन निकलता है, गैस तेल के ऊपर, पहले गैस निकलती है फिर तेल निकलती है। गैस जो है वो तेल के ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये, जो ये है खनिज तेल, वो हाइड्रोकार्बन यौगिक के मिश्रण होते हैं। जो खनिज तेल है वो किसका मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होते हैं। अब ये कौन से चट्टानों से मिलते हैं, जो तेल संसाधन है वो क्या है, टर्शियरी युग की चट्टानों से प्राप्त होता है। कौन सी, जो टर्शियरी युग की चट्टाने हैं, टर्शियरी युग की चट्टानों से प्राप्त होता है। इनका निर्माण अवसादी चट्टानों में होता है, अवसादी चट्टानों में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि खनिज तेल होता है वो कौन से चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं, तो वो अवसादी चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने बेसिक का तेल संसाधन का वो डिस्कस किया, अब इसके उत्पादन उत्पादन देखते हैं कहाँ कहाँ किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं उत्पादन, सेम पहले जिले ध्यान रखेंगे, फिर जिले में कौन कौन सी जगह है वो देखेंगे, कहाँ कहाँ उत्पादन है। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। कोयले के लिए हमने बात की थी बीकानेर, बाड़मेर और नागौर में, यहाँ पर जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में। जैसलमेर की अगर बात करें तो जैसलमेर में कौन सा एरिया है, साधेवाला, कौन सा एरिया है, साधेवाला, जहां पर तेल संसाधनों का दोहन किया जाता है। जैसलमेर में एरिया है साधेवाला, बीकानेर में है बाधेवाला, बीकानेर में है बाधेवाला और बाड़मेर में है गुड्डा मलानी, गुड्डा मलानी। तो हमने क्या क्या देखे, सबसे पहले तेल संसाधन की बात करी, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया कि जो है वो गैस तेल के ऊपर पाई जाती है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। राजस्थान में तेल संसाधनों का उत्पादन जैसलमेर में साधेवाला एरिया से, बीकानेर में बाधेवाला एरिया से और बाड़मेर में गुड्डा मलानी एरिया से होता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम गुड्डा मलानी वाले एरिया से, तो हम बात यहाँ पर सिर्फ गुड्डा मलानी एरिया की करेंगे। यहाँ पर जो तेल के कुएं हैं उनके नाम बता देती हूँ मैं, मंगला भाग्यम, मंगला भाग्यम, ऐश्वर्या, मंगला भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी। ये क्या बता रही हूँ मैं, ये नाम बता रही हूँ जो गुड्डा मलानी में जो तेल के कुएं हैं उनके नाम बता रही हूँ। नाम बताया मंगला भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, एक और रह गया सरस्वती, सरस्वती और सकरी, सकरी। तो मैंने ये क्या बताया, तेल संसाधनों के दोहन करने वाले जिलों के नाम, उनके एरिया के नाम और गुड़ा मलानी में जो तेल के कुएं हैं उनके नाम बताए मैंने, तेल के कुएं हैं उनके नाम बताए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट अपन बात करेंगे गैस संसाधनों की, ये तेल संसाधन हो गए, नेक्स्ट बात करेंगे गैस संसाधन की कि राजस्थान में गैस, प्राकृतिक गैस का दोहन कहाँ कहाँ होता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे गैस संसाधन की, तो अगर बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक गैस का जो उत्पादन है वो कहाँ होता है, जैसलमेर और गंगानगर, दो एरिया बताए मैंने कि राजस्थान में सर्वाधिक गैस का उत्पादन जो होता है वो, सर्वाधिक गैस वाले जो जिले हैं वो है जैसलमेर और गंगानगर। अब जैसलमेर में कौन से एरिया है, एक तो है घोटारू, जैसलमेर में एरिया है घोटारू, दूसरा है तनोट। कौन से दो एरिया बताए, घोटारू और दूसरा बताया तनोट, तनोट और भी है दो चार, तो नोट के अलावा एक और है मणिहारी टिब्बा, तीन याद रखने हैं बस। यहाँ पर क्या है, गैस का दोहन होता है, कौन से एरिया, तो मैंने जैसलमेर का घुटारू, तनोट और मणिहारी टिब्बा, तो ये तीनों एरिया कहाँ स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं गंगानगर, गंगानगर में है सूरतगढ़, गंगानगर में सूरतगढ़। तो ये गैस संसाधन के बारे में देख लिया, नेक्स्ट देखते हैं पवन ऊर्जा संसाधन, पवन ऊर्जा के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पवन ऊर्जा संसाधन के बारे में देखें तो सबसे पहले देखेंगे राजस्थान का पहला
पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा? अमर सागर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। अमर सागर जैसलमेर में राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। ठीक है, राजस्थान में जो पवन ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादित होती है वो कितनी है? वो है 3552 मेगावाट। 3552 मेगावाट ऊर्जा। और भी इसकी बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन कुल ऊर्जा उत्पादन का इतना जो ऊर्जा है वो पवन ऊर्जा से उत्पादित की जाती है। टोटल ऊर्जा का इतनी ऊर्जा जो है वो पवन ऊर्जा से प्राप्त होती है। तो ये हमने पवन ऊर्जा के बारे में देख लिया। तो बस इसमें इतना ही जानना जरूरी था कि राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र लगा था अमर सागर जैसलमेर, और जो पवन ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादित होती है 3552 मेगा वोट। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक पॉइंट और बता देती हूँ। केंद्र सरकार ने 1980 में राष्ट्रीय बायोगैस योजना की शुरुआत की थी। कौन सी योजना? राष्ट्रीय बायोगैस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 1980 में की थी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक ये पवन ऊर्जा वाला फिनिश हो गया है। नेक्स्ट अपन दो तीन पॉइंट है जो मैं बायोगैस की बता रही हूँ, वैसे कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, बस जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देती हूँ कि जो 1900 बायोगैस कौन सी जो गैस कहां से मिलती है? जो पशु होते हैं उनके मल और मूत्र से सड़ने के बाद जो गैस निकलती है बायोगैस है। तो राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र, उसके बारे में डिटेल में कुछ है नहीं इतना, तो दो चार पॉइंट वही बता रही हूँ मैं। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र उदयपुर और जयपुर में है। सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र। नेक्स्ट सौर ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं। लास्ट सोलर एनर्जी। राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक जो रिसोर्सेस है, संभावनाएं है कि उससे एनर्जी हम ले, तो वो मैक्सिमम पश्चिमी राजस्थान में। हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा कौन सी होती है? जो सूर्य की धूप है उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वही क्या है? सौर ऊर्जा है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में इस ऊर्जा की विपुल संभावना कहां पर है? पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान में इस ऊर्जा का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के जोधपुर के अंदर एक प्रोजेक्ट काम कर रहा है सौर ऊर्जा पर। क्या बताया मैंने कि एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे अपन, जो काम कर रहा है अभी। कहां पर है? जोधपुर के मथानिया गांव में, जिसका नाम है मथानिया इंटीग्रेटेड कंबाइंड पावर प्रोजेक्ट। ये नाम है उसका प्रोजेक्ट का, मथानिया नाम का एक गांव है वहां पर स्थित है मथानिया इंटीग्रेटेड कंबाइंड पावर प्रोजेक्ट। ये राजस्थान की सबसे बड़ी, ये क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी प्रथम सौर एनर्जी बेस्ड परियोजना है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्रथम सौर परियोजना, जिसकी क्षमता है 140 मेगावाट। टोटल जो कैपेसिटी है यहाँ पर वो है 140 मेगावाट। ये किसकी हेल्प से बनाएगी? ये विश्व बैंक की हेल्प से बनाएगी। इसमें हेल्प किसने की? वो की वर्ल्ड बैंक और केंद्र सरकार ने मिलकर इस योजना की शुरुआत की। वर्ल्ड बैंक और केंद्र सरकार ने मिलकर इस योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी जो स्थापना की थी वो अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा की गई। इसकी स्थापना
अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा की गई। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दिए मैंने इसके बारे में कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सौर ऊर्जा की जिस राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है वो पश्चिमी राजस्थान में होता है। एक प्रोजेक्ट है जोधपुर में जो चल रहा है मथानिया गांव में। कौन सा प्रोजेक्ट? मथानिया इंटीग्रेटेड कंबाइंड पावर प्रोजेक्ट, जो राजस्थान की सबसे बड़ी सौर परियोजना है। ये किसकी हेल्प से शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत की गई वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और केंद्र सरकार की हेल्प से। ये इसका जो टोटल कैपेसिटी है वो है 140 मेगावाट। इसकी स्थापना की गई अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा। अब एक पॉइंट बता देती हूँ, राजस्थान में सेज एरिया कौन सा है? सेज मतलब सौर ऊर्जा जोन। इसमें तीन एरिया शामिल किए गए। क्या बता रही हूँ मैं? सेज यानी सौर सोलर एनर्जी जोन। कौन कौन से हैं? वो है जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान के तीन जिले सेज में हैं, वो है जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जो पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। तो अपने बात कर लिया हमें सौर ऊर्जा जोन की। नेक्स्ट बात करते हैं आर ई डी ए। ठीक है, आर ई डी ए इसका मतलब है राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई 1985 में। तो ये जो डेट मैं आपको बताती हूँ उसके पीछे रीजन है, क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इस एजेंसी की स्थापना कब हुई, तो हमें याद रखना है 1985 में इसकी स्थापना हुई। तो ये अपना टॉपिक हुआ ऊर्जा संसाधन वाला फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में अपन शुरुआत करेंगे राजस्थान के खनिज संसाधन से, जिसमें लगभग 2 या 3 वीडियो और बनेंगे। तो ये ऊर्जा संसाधन हुआ अपना फिनिश।